हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बनाना चॉकलेट आइसक्रीम। तो शुरू करते हैं हम बनाना बनाना की आइसक्रीम बनाएंगे हम। इसमें सिर्फ दो चीज़ों से ही हम बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको पतला पतला कटिंग कर लेंगे, ऐसे गोल। सभी बनानास को मैं ऐसे ही कट कर लूँगी। ये मैंने 4 बनानास लिए हैं, इनको हम ऐसे ही टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो देखिए, बनानास मैंने ऐसे कट कर लिए हैं, ज़्यादा मोटा पीस कट नहीं करना, फिर हमें जब हम इसको क्रश करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। और इनको मैंने प्लेट में अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। फ्रीज़र में हमने इसको 3 से 4 घंटे के लिए रखना है। जब ये अच्छे से बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे उसके बाद हम इसको निकाल के इसकी आइसक्रीम बनाएंगे। तो वेट करते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। अब हम बनानास को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बनाना भी बहुत हार्ड हो चुके हैं। अब हम इसको फ्रिज से बाहर निकाल लेते हैं। ये बनाना लिए मैंने, ये मिक्सी के जार में हम इसको डाल देंगे। सारे इकट्ठे नहीं डालेंगे। और मैंने ये डेयरी मिल्क लिया है, 2 चॉकलेट्स, इनको हम तोड़ के इसमें डाल देंगे। इसमें इस आइसक्रीम में अलग से मीठा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने 2 ये डाल दिए। अब हम इसको क्रश कर लेंगे, एकदम से नहीं चलाएंगे, रुक रुक के चलाएंगे। देख रहे हो आप कितनी आवाज आ रही है। थोड़ी देर इसको हमने क्रश कर लिया। अब हम इसमें 1/2 कप दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद हम इसको फिर से चलाएंगे। ये देखिए, हमारी बनाना चॉकलेट आइसक्रीम रेडी है बनके। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमारी बनाना चॉकलेट आइसक्रीम बनके रेडी है। ये देखिए, इसमें चोको चिप्स जैसे लग रहे हैं ना बीच में। आप चाहो तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हो। अगर आपको जमाना है तो इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख के तो आप इसको सर्व कर सकते हो। तो मैं अभी इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ, उसके बाद हम सर्व करेंगे। हमारी बनाना चॉकलेट आइसक्रीम रेडी है, तो अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। अब हम इसको ये देखिए सर्व कर रहे हैं। हमारी बनाना चॉकलेट की प्लेटिंग रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।